विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह अस्सलामु अलैकुम। आई एम हियर फरहीना मोहम्मद फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। टुडे वी आर गोइंग टू डिलीवर ए टॉपिक नेम्ड एज रेशियल यूटोपिया। कल हमने पढ़ा नाजीज वर्ल्ड व्यू, कैसे हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स ख्याल रखना, और नाजीज का ख्याल था कि जर्मन में सिर्फ प्योर जर्मन आर्यन रेस के लोग होने चाहिए। अब ये ख्याल अचीव करने के लिए नाजीज ने क्या किया, ये हम आज पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि हिटलर ने रेशियल यूटोपिया के लिए क्या किया। फर्स्ट, हिटलर ने जेनोसाइड किया, देन वॉर। जेनोसाइड का मतलब बहुत तादाद में लोगों को मारना, एक साथ हजारों लाखों लोगों को मारना, लाखों लोगों को कत्ल करना, इससे जिनोसाइड कहते हैं। ये जिनोसाइड हुआ जर्मनी में अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर। जर्मनी में हिटलर अपने ही लोगों के साथ जंग कर रहा था, जैसे जिव्स यहूदी लोग, जिप्सीज ब्लैक ओरिजिन के लोग, पोल्स यानि पोलैंड के रहने वाले, विद ऑल दोज हुम हिटलर कंसिडर्ड अनडिजायरेबल्स। इनको मारा जा रहा था, इनको वहाँ पे मार डाला जाता था। इन 1939 हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया, और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत भी हुई। अब हिटलर ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, और इसको जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड था पोलैंड का, वहाँ से भी लोगों को निकाला गया। पोलैंड के लोगों को अपना घर जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा पोलैंड से। हिटलर ने बहुत जुल्म किया इन लोगों पे। अगर किसी बच्चे की शक्ल आर्यन रेस से मिलती थी, उसे माँ से छीन लिया जाता था। इसके अलावा गिटोज, GETOS, गैस चैम्बर्स, डिमार्केटिंग एरियाज, जहाँ पे अनडिजायरेबल लोगों को रखा जाता था, और बड़ी तादाद में हजारों लोगों को मार दिया जाता था इन गेटोज में, जैसे कि नॉन आर्यन जो आर्यन रेस से नहीं थे, और ब्लैक ओरिजिन के लोग, और जीव्स जिप्सीज पोल्स पोलैंड के रहने वाले लोग, फिजिकली अनफिट लोग, मेंटली अनफिट लोग, इन सब को कत्ल कर दिया जाता था इन गेटोज और गैस चैम्बर्स में। और इन गेटोज में लिविंग कंडीशंस बहुत ख़राब थी, इनके रहने पीने की जो कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब थी, इस वजह से भी लोग मर जाते थे गैस चैम्बर्स में। लोगों को एक साथ रखा जाता था गैस चैम्बर्स में, और फिर वहाँ पे पॉइजनस गैस की वजह से हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। ये तो था रेशियल यूटोपिया जो कि हिटलर और नाजीज अचीव करना चाहते थे जर्मनी में। इसके लिए इन्होंने लाखों हजारों तादाद में जो लोग थे जो कि आर्यन रेस से नहीं थे, उनको मार दिया। ऐसे ही
हिटलर ने और नाजी पार्टी ने रेशियल यूटोपिया हासिल किया। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।